Shabbat shalom.
और मैंने इसे अनेक रूपों में ढल के दिखाया। मुझे जिसने छुआ उसने इतिहास रचा, चाहे वो महान योगी गुरु गोरखनाथ हो या गौतम बुद्ध जैसे महात्मा। अगर एक और भारत की आजादी के दीवानों ने अपने लहू से मुझे सींचा, तो दूसरी ओर प्रेमचंद की लेखनी और भाषा ने मुझे नई परिभाषा दी। मेरे रोम रोम में चली है एक रोचक गाथा। कहानी शुरू करते हैं मेरे नाम की गाथा से। धीरे धीरे ये बात कहने लगी कि महायोगी गोरखनाथ खिचड़ी के लिए अन्न की भिक्षा मांगते हुए यहाँ आए हैं। ज्वाला देवी में गोरख डिब्बी जल रही है, पानी गर्म हो रहा है, केवल अन्न की प्रतीक्षा है। बस फिर क्या था, हजारों श्रद्धालुओं ने थप्पड़ में खिचड़ी भरना आरंभ किया। ये मकर संक्रांति का पुण्य समय था। आज तक मकर संक्रांति पर्व पर श्रद्धालुओं की खिचड़ी चढ़ाते आ रहे हैं। एक पूरे माह तक चलता है ये आयोजन। मकर संक्रांति का महीना गोरखनाथ जी की योग सिद्धि का सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक प्रतीक है। Thank you.
सलमान दोनों को सद्भावना का मार्ग दिखाया। उनकी समाधि पर मंदिर एवं मस्जिद का एक साथ होना कबीर की धार्मिक सद्भावना और समन्वय वाली सोच का प्रतीक है। गोरखपुर के ऐतिहासिक इमाम बाड़े का निर्माण अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने 1795-96 में कराया। इसमें सूफी संत रोशन अली शाह की धुनी आज भी मौजूद है। यहाँ सोने चांदी और अष्टधातु के ताजे मौजूद है जो नवाब ने रोशन साहब को भेंट किए थे। किसानों की फांसी जैसी कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह है। अमर शहीद बंधु सिंह जी द्वारा स्थापित माँ की कुंडली तरकुलहा देवी आज भी जन जन में पूजनीय है। जिसके नाम से अंग्रेज कांपते थे, जिसकी कविताओं पर देश झूमता था, जो नयनपुरी साजिश और काकोरी कांड के लिए प्रख्यात थे, वो राम प्रसाद बिस्मिल यही गोरखपुर यही शहीद हुए थे। गोरखपुर एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ चार चार शहीद स्मारक है। शहीद बंधु सिंह, चौरी चौरा, बिस्मिल स्मारक और दुनिया का Oh, no!
विख्यात लेखक मुंशी प्रेमचंद ने अपने शब्द तराशे। श्री धनपत राय, जिन्हें नवाब राय एवं मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कर्म स्थली भी गोरखपुर ही थी। यहाँ उन्होंने कई कालजी उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। रघुवीर सहाय जी, जो विराट गोरखपुरी के नाम से प्रख्यात है, का शायरी के क्षेत्र में योगदान अमूल्य है। भारतवर्ष के महाकाव्यों एवं साहित्य का परचम आज पूरे विश्व में लहरा रहा है। गीता प्रेस ने उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत के साथ साथ कल्याण पत्रिका को विश्वभर में जन जन तक पहुँचाने का पूर्ण कार्य किया जा रहा है। कल्याण पत्रिका के आदर संपादक श्री अंगद प्रसाद बोधाम जी थे। हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में 1600 पुस्तकों का प्रकाशन उद्धरण गीता प्रेस ने आज भी होता है। श्री जयदयाल गोयंका जी और श्री घनश्याम दास जयराम जी द्वारा स्थापित ये अखिल भारतीय संस्था आज हमारी धरोहर है। क्षेत्र में भी विश्व विख्यात है। शहर से 15 किलोमीटर दूर औरंगाबाद गांव टेराकोटा हस्तशिल्प के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। यहाँ के शिल्पियों ने देश विदेश में कला का प्रदर्शन किया है। ये मूर्तियाँ एक खास मिट्टी से बनती है, जो यहाँ गांव के आराम से ली जाती है। बिना रंग बिराए बनाई जाने वाली ये मूर्तियाँ एक विशेष तापमान पर पकाई जाती है। केवल रंग वर्षों का फीका नहीं पड़ता। 1885 में गोरखपुर रेल लाइन से जुड़ा और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय पर कितने लोग ये जानते हैं कि 2013 के विस्तार के बाद गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। 1366.33 मीटर की लंबाई वाला ये प्लेटफॉर्म किसी उम्मीद का चक्कर खरीदेगा। Yeah.